फतेहपुर से निकलकर सामने आया अजीबोगरीब मामला। एक युवक को डेढ़ महीने में 5 बार डस चुका है सांप। रिश्तेदारों ने दी घर छोड़ने की सलाह ताकि युवक के पास तक ना पहुंच सके सांप, लेकिन फिर वो हो गया जो है बेहद हैरान करने वाला। जहां पहुंचा युवक वहां पर भी पहुंच गया वो सांप और लिया डस। इस समय एक ऐसी खबर वायरल हो रही है जिस पर भरोसा करना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते दिनों एक व्यक्ति को सांप ने एक या दो बार नहीं बल्कि 5 बार काटा। आप भी ये पूरा मामला सुनेंगे तो हैरान व दंग रह जाएंगे। दरअसल अभी हाल ही में यूपी के फतेहपुर जिले से एक अजीबोगरीब मामला निकलकर सामने आया, जहां एक युवक को सांप ने महीनों भर के अंदर 5 बार काट लिया, लेकिन हर बार इलाज के बाद युवक ठीक भी हो जाता है। इस युवक का इलाज करने वाले डॉक्टर भी हैरान है कि कैसे सांप काटने के बाद वो बार बार ठीक हो जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये युवक सांप के डर से अपना घर छोड़कर मौसी के यहाँ रहने लगा था, लेकिन सांप ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। सांप ने मौसी के घर में भी उसको अपना शिकार बना लिया। इस घटना से युवक के साथ साथ उसके परिजन भी खासा परेशान नजर आ रहे हैं। ये पूरा मामला फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र के सोरा गांव का बताया जा रहा है। यहां रहने वाले विकास दुबे उम्र 24 साल को एक डेढ़ महीने के अंदर सांप ने 5 बार काट चुके, लेकिन हर बार वो इलाज के बाद ठीक हो गया। तो वहीं अब इस विकास दुबे का इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों ही सांप ने उसे अपना शिकार बना लिया था। जानकारी के मुताबिक विकास 2 जून की रात 9 बजे बिस्तर से उतरते हुए पहली बार उसे सांप ने काटा था, जिसके बाद परिजन विकास को प्राइवेट नर्सिंग होम में लेकर गए। वहां 2 दिन भर्ती रहा, इलाज के बाद ठीक होकर घर आ गया। परिजनों को लगा कि ये सामान्य घटना है, मगर 10 जून की रात फिर से विकास को सांप ने अपना शिकार बना लिया, जिसके बाद विकास के परिजन उसे लेकर तत्काल अस्पताल भागे। लेकिन गनीमत ये रही कि इस बार भी इलाज के बाद ठीक हो गया। हालांकि सांप को लेकर विकास के अंदर डर ऐसा बैठ गया कि वो जहां भी जाए तो चारों तरफ देखता जाता था। विकास जब सोने जाता तो भी वो अपने आसपास कई बार देखता कि कई आसपास सांप तो नहीं है। इसी तरह लगभग 7 दिन बीत गए और फिर 17 जून को घर में ही सांप ने एक बार फिर से विकास को अपना शिकार बना लिया, जिससे हालत बिगड़ने लगी और परिजन व विकास में सांप की दहशत समा गई। और फिर उसी अस्पताल में इलाज हुआ और विकास ठीक हो गया। यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 4थी बार सांप ने 7 दिन भी नहीं बीतने दिए। घटना के 4थे दिन ही सांप ने विकास को एक और बार अपना शिकार बना लिया। जब परिजन इलाज के लिए उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर भी हैरान हो गए। हालांकि इस बार भी शुक्र रहा कि इलाज के बाद विकास बच गया। तो वहीं इन सबको देखते हुए विकास के रिश्तेदार और डॉक्टरों ने सलाह दी कि कुछ दिनों के लिए विकास कहीं और चला जाए। सलाह मानते हुए विकास अपनी मौसी के घर यानी राधानगर में रहने के लिए चला गया, लेकिन यहां बीते शुक्रवार की रात करीब 12 बजे उसे घर में ही सांप ने फिर से एक बार डस लिया, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल में भर्ती कराए। इसका इलाज चल रहा है और हालत में सुधार है। फिलहाल आपको क्या लगता है सांप ऐसा बार बार क्यों कर रहा है, इसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।